YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के नव निर्वाचित प्रमुख नीतू पांडे ने आज अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की और प्रतिदिन नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित होने की चेतावनी भी दी। प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय बंद होने पर उन्होंने दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया, तब कार्यपालक पदाधिकारी का अधिक प्रभार लिए BDO गुलाम समदानी मजियाव नगर पंचायत में ऑडिट कार्य में व्यस्त पाए गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त ताकीद करते हुए कहा कि आमजनों को कार्य के सिलसिले में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिन के 2:30 बजे के आसपास प्रखंड प्रमुख नीतू पांडे ने BRC केंद्र का भी दौरा किया और निरीक्षण क्रम में आदेशपाल प्रदीप यादव ही उपस्थित पाया गया। वहीं BPO, BRP, लेखापाल और अनुश्रवण सहायकों की इस अनुपस्थिति पर प्रखंड प्रमुख ने नाराजगी प्रकट की और कार्य संस्कृति में आवश्यक सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश दिया। इस दौरान उपप्रमुख चिंता देवी, पंसद कमला देवी और कई जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रखंड प्रमुख के रूप में आपका पहला दिन कैसा रहा? सबसे पहले मैं प्रखंड क्षेत्र की पूरी जनता को नए वर्ष की बधाई देती हूँ। आज सभी कार्यालय की जांच करके सबको प्रतिदिन समय पर आने व जाने का निर्देश दी हूँ, ताकि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो। जनता आपसे क्या उम्मीद करे? सभी काम में नियमित रूप से होगा। जनता की कठिनाई मेरी कठिनाई होगी।